हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम जावास्क्रिप्ट के पार्ट 12 में, ये पार्ट 12 है, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के बारे में, और आप इसको कह सकते हैं कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। व्हेन यूज्ड ऑन स्ट्रिंग, द प्लस ऑपरेटर इज कॉल्ड द कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। ये आपने देखा होगा, इसको मैंने पहले यूज किया हुआ है अपने कोड में, और कुछ मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन भी दिए थे जिसमें ये सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि प्लस ऑपरेटर को अगर यूज करते हैं और स्ट्रिंग और नंबर को कॉन्केट करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे लिखते हैं लेट ए इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं हेलो, और यहाँ पे लिखती हूँ लेट बी इज इक्वल टू डबल कोट्स में वर्ल्ड। इतना हो गया, और ये लेट की जगह लैब हो गया, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। अब इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ए प्रिंट करा लूंगी और यहाँ पे प्लस लगा के बी को प्रिंट करा लूंगी। तो इससे हो जाएगा आपका कॉन्कैटिनेशन, जिसको हम लोग आउटपुट डिस्प्ले लाते हैं तो आएगा आपका हेलो वर्ल्ड। ये हो गया आपका हेलो वर्ल्ड। अब आप चाहते हो कि इसमें स्पेस आ जाए, तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो स्पेस नहीं आया। अब हमें इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, तो आप कैसे प्रिंट कराओगे। देखो यहाँ पे स्पेस तो आ नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे, हम इसके बीच में ही डबल कोट्स में स्पेस देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे तो इसको जोड़ दिया है, लेकिन इस वाले वैल्यू को नहीं जोड़ा, तो यहाँ पे भी एक प्लस लगा देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे आपका स्पेस आ जाएगा, ये देखिए। और अब आप इसमें जितना भी स्पेस देंगे वो उतना स्पेस लेगा। यहाँ पे रन कराते हैं तो ये देखिए उतना स्पेस ले लिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं लेट माई नेम, मू नेम हो गया, माई नेम इक्वल टू सीमा लिखना चाहती हूँ, सीमा। देखो आप जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन लगाओ या ना लगाओ, पहले भी बता चुकी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप एंटर प्रेस करते हो ना तो जावास्क्रिप्ट पे वहां पे वो हो जाता है, सेमीकोलन लग जाता है। ये ले लिया हमने। अब मैं इसको कंसोल करा लेती हूँ, माई नेम, सॉरी डबल कोट्स में नहीं होगा, माई नेम। इससे देखो अभी क्या आएगा, सीमा आएगा, ये रहा सीमा आ गया, ठीक है। ऐसा फिल्टर हमें लगाना पड़ेगा कि सीमा जो डेटाबेस से सीमा वाला नाम सब सेलेक्ट होके आए, और हमें उसमें क्या लगाना हो, अलग अलग सरनेम लगाना हो, ठीक है। तो हमने तो एक सीमा नाम डेटा फेच कर लिया, और अब हम इसमें क्या करेंगे, सरनेम लगा देंगे। तो मैं लगाती हूँ शर्मा, दूसरे में लगा देती हूँ कुछ और, कॉपी कर देती हूँ यहाँ पे और पेस्ट कर लेती हूँ, पेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे और क्या लिखूँ, मैं आदिस्माई लिख देती हूँ। मैं देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, क्योंकि जो ये शर्मा लिखा हुआ है ना, और ये सब डबल कोट्स में आएंगे, तो इसको डबल कोट्स में लिख देते हैं हम लोग और रन करा देते हैं। यहाँ पे लिखा शर्मा इज नॉट डिफाइंड, तो वही है, ये तो डबल कोट्स में आएगा ना। तो ये रहा आपका नाम जुड़ गया। अब आप चाहते हो कि इसमें भी स्पेस आए, तो हमें वही करना पड़ेगा काम, यहाँ पे डबल कोट में स्पेस दे दो और इसके आगे इसको कॉन्कैटिनेट कर दो, और इसको ही कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैं सब में जगह कर देती हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट, और इसको रन कराते हैं। अब स्पेस मिल जाएगा, ये देखिए आपको स्पेस मिल गया। तो ये आपका हो गया कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।